संस्था तोड़ने के प्रश्न पर विकास अपने आप सहज रूप से हुआ है और विनाश या पुनर्निर्माण भी उसी तरह होना होगा। मेरे अनेक घर बने और टूटे सब यथा समय हुआ, इसलिए मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। भगवान ही जाने अब वह मुझे कहाँ पटकेगा। मेरी रक्षा इसी में है कि मैं प्रार्थना और प्रतीक्षा करूं। प्रभु तू ही रास्ता बना। मनुष्य संसार को अपने से अलग नहीं कर सकता, इसीलिए मनुष्य को संसार के दोषों को सहन करते हुए अपना कर्तव्य करते जाना चाहिए। अहिंसा कहती है तुम किसी को वैरी न मानो, जो तुमको अपना वैरी मानता हो उससे भी प्रेम करो। तब हम अंग्रेजों की मुसीबत से फायदा कैसे उठा सकते हैं। तेरे रिश्तेदार हों तो भी उनके दोष को छिपाने की कोशिश न कर। बुराई का जवाब बुराई में देने से वह बुराई घटने के बजाय बढ़ती ही है। यह सब प्राकृतिक नियम है। हिंसा अधिक बड़ी हिंसा से शांत नहीं होती। गीता में सच कहा है कि बिना ज्ञान के कर्म बिल्कुल व्यर्थ होता है। मुझे स्वयं इस बात का अनेक बार अनुभव हुआ है और बहुतों को भी हुआ होगा। यदि कर्म ज्ञानमय हो जाए तो उसमें भक्ति तो अपने आप आ जाती है, और ऐसा करने के लिए आदमी को सत्य का सहारा लेना पड़ता है। यदि सत्य का ज्ञान हो जाए तो अन्य कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार हमें अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर मुंह पर जरा सा भी दाग हो तो दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपने हृदय का परीक्षण करना चाहिए। शायद ही कोई आदमी सर्वगुण संपन्न होने का दावा कर सकता है। इसीलिए मेरी विनम्र सलाह है कि दूसरों का दोष देखने के बजाय हम अपना स्वयं देखें।